नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। ताक पर कोरोना गाइडलाइन। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा रखा है। सरकार के लोगों से दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी की अपील लगातार कर रही है, लेकिन बदायूं से आई तस्वीर ने हर किसी को हैरान और परेशान करके रख दिया है। यहां शेख काजी मोहम्मद सालिम उल कादरी के जनाजे पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। जनाजे में शामिल लोगों और कोरोना से बेखौफ नजर आ रहे थे। भीड़ में शामिल ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। पुलिस भी इस भीड़ को रोकने में नाकामयाब रही और पूरी तरह से बेबस नजर आई। तो सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक मौजूदा समय में सिर्फ 20 लोगों को ही एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बदायूं में आदेश का पालन नहीं हुआ और अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए महामारी एक्ट के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो पुलिस ने अपनी एफआईआर में महामारी अधिनियम के धाराओं को 188, 269 और 270 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये वो तस्वीरें सामने आई है एक काजी के जनाजे पर किस तरह से भारी भीड़ देखी गई वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान है, इतना संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे जन सैलाब किस तरह से रैला उमड़ा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो जिला एकाजी के जनाजे पर ये भारी भीड़, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हालांकि अब इस पूरे मामले पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये नौबत आने ही क्यों दी गई, जब सरकार की तरफ से सख्त हिदायत है, प्रशासन को सख्त आदेश है कि इस तरह की स्थिति ना हो, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं भारी जन सैलाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बेहद ही भयावह भी है, ठीक है, दुख की घड़ी है, लेकिन उससे भी पहले ध्यान उस चीज पर भी जाना चाहिए कि हम किस महासंकट से गुजर रहे हैं। प्रदेश में स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है, सरकार प्रशासन जुटे हुए, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था कहाँ गई वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है कि जब सरकार सख्त हिदायत दे रही है लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से ये जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा, इसके पीछे किसकी लापरवाही। अब हालांकि केस दर्ज करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन ये नौबत यहाँ पर तक क्यों पहुंच गई ये एक बड़ा सवाल हो जाता है कि पुलिस का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं, मास्क भी कई लोगों के चेहरों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोविड-19 के नियमों के पालन करने की बात होती है लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और नजर आती हैं। तो ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से, लेकिन ये सवाल यहाँ पर ये भी कि क्या धर्म की आड़ में इस तरह से ये जन सैलाब उमड़ना जरूरी था, और सवाल ये भी कि प्रशासन यहाँ पर क्यों नहीं है, प्रशासन की वो व्यवस्थाएं वो दावे यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दिए। तो क्या लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं रहा है, ये तस्वीरें सवाल खड़ा करती हैं। तो किस तरह से कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं उसकी बानगी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जिला एकाजी के जनाजे पर किस तरह से भारी भीड़ उमड़ी वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि अब पुलिस ने केस तो यहाँ पर दर्ज कर लिया है, लेकिन इससे पहले सवाल ये हो जाता है कि ये जो नौबत आई है, ये तस्वीर आई है, तब प्रशासन कहाँ था। अब तो कार्रवाई की बात हो जाएगी। इस महासंकट के बीच धर्म की आड़ में इस तरह से ये भीड़ होना, ये जमावड़ा लगना बेहद ही चिंताजनक। तो सवाल यहाँ पर कई है कि आखिर क्या लोगों को अपनी जान का कोई मोल नहीं रह गया है, और इस तरह महासंकट में आखिर ये तस्वीर क्यों सामने आई है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तमाम जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उनको ताक पर क्यों रखा गया। और इसी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर मतीन खान हमारे साथ है,
और वहीं एमए अंसारी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस डिबेट में वो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे और थोड़ी देर में जुड़ेंगे। वहीं स्वामी चक्रपाणी जी हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं डॉक्टर तनुज भाटिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं परमहंस दास महंत भी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। और सबसे पहले चक्रपाणी जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? जिला एक ताजी के जनाजे पर इस तरह से जो जन सैलाब उमड़ा, इस जन सैलाब को उमड़ने को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप देखो अर्चना त्यागी जी, आप ये देश पूरा जानता है कि किस प्रकार से पूरे देश में जिस प्रकार से लोग मर रहे हैं, कोरोना से हताहत हो रहे हैं। आप देखो हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कितनी कमी किल्लत है और अनेक प्रकार की विसंगतियां। कहां तक देश काल और जो कोविड प्रोटोकॉल बना उसका सम्मान करना चाहिए, घरों में रहना चाहिए और विशेष रूप से जो वो है सहयोग करना चाहिए और समाज को और देश को आज सहयोग करने की आवश्यकता है। तो ये तो बिल्कुल इस तरह से काजी के जो जनाजे में इतने लोग निकले हैं, निश्चित रूप से ये न सिर्फ कोविड जो प्रोटोकॉल है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं मानवता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि पूरी समाज और राष्ट्र के जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये तबलीगी जो मानसिकता है ये उसका जीता जाता प्रमाण है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि इनके धर्म गुरु आगे आके आकर के खुद उनको आलोचना करना चाहिए और उनको रोकना चाहिए, लेकिन हमें लगता है जब खुद ही धर्म गुरु उसमें शामिल है तो आखिर रोकेगा कौन? तो इनपे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आज आवश्यकता है, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। क्योंकि अगर ऐसे होने लगा तब तो निश्चित रूप से कोई बचेगा ही नहीं। और आप देखिए कि जिस प्रकार से इसमें हजारों जुनून दिखाई दे रहे हैं, हजारों लोग दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम बताओ कि कोविड 19 का पालन करते हुए हमने नवरात्र बंद कर दिया, हमने तमाम रामलीलाएं बंद कर दी, हमने तमाम धार्मिक आयोजन को बंद कर दिया, अमरनाथ यात्रा बंद हो गई, कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद हो गई, जबकि हमारे जीवन और मोक्ष और उसकी बात है। लेकिन अब किसके लिए? मानवता के लिए। और यहाँ पे आप देखिए उल्टा क्या दिखाया जा रहा कि हजारों लोग मिलकर के जो है वो जा रहे हैं जनाजे में। तो एक जनाजे में हजारों लोग जा रहे हैं, तुम हजारों में लाखों जनाजा निकलवा दोगे भाई? तो ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी बना है, बहुत ही ज्यादा जाहिलपन है। इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए कम है और बहुत ही अमानवीय है। समाज के, मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको आगे बढ़ करके इसको भर्त्सना करना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ बड़े कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने की आवश्यकता है। बिल्कुल, भविष्य में कोई करने की हिम्मत न करे ऐसे। मतीन जी आप क्या कहेंगे, इन तस्वीरों को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं चक्रपाणी जी? नहीं, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और कोविड का पालन करते हुए इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए किसी को भी। मगर इस चक्रपाणी महाराज जी का जो इनका जो कृत है, ये हमेशा भीड़ में मजहब ढूंढते हैं, कोई आपदा आती है तो उसमें मजहब ढूंढते हैं। ये इनका पुराना खेल है। जब केरल के अंदर जो है बाढ़ आई थी तो उसमें ये जो है उसमें धर्म ढूंढ रहे थे। इस तरह का ये इनको कम से कम शर्म आना चाहिए। इनको ये क्या नहीं मालूम कि अहमदाबाद में, गुजरात में, सारंग में हजारों महिलाएं कलश लेके गई थी। शर्म आना चाहिए इनको कि 100 प्रधान के करीब मर गए हैं। शर्म आना चाहिए इनको जब 1000 से ज्यादा टीचर मर गए हैं। इनको शर्म आना चाहिए इस बात को लेकर के कि जब कुंभ में कांड हो रहा था तो मैं तो अरे तो ये कुंभ मना रहे हो क्या? ठीक है, ठीक है, कुंभ मना रहे हो काजी के जनाजे को कुंभ से बदला इसके तुलना कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। तो मतीन जी, तो क्या माना जाए कि धर्म की आड़ में आपको ये इजाजत मिल जाती है कि तमाम चीजों को आप इग्नोर कर दीजिए? फैलाना बंद करें चकवाड़ी जी, जो भी गलत है जी, तो गलत है। ठीक है मतीन जी, ठीक है, आप गलत है। देखिए मुसलमानों ने बहुत काम किया है, फर्ज को छोड़ा है और ये तो ये नमाज जनाजा जो है वो हमारे फर्ज कफाया है, यानी कि सेकेंडरी फर्ज है। हमने अलविदा की नमाज को तर्क किया है, हमने जुमे की नमाज को तर्क किया है और रमजान की तमाम नमाजों को हमने मस्जिदों में ताले लगाए हैं सिर्फ कोविड का पालन करने। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, परमहंस दास जी के पास चलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर परमहंस जी, जिस तरह की स्थिति देखी गई उस स्थिति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और मतीन जी ने कुंभ का भी उदाहरण दिया है, इस पर भी आपका क्या कहना है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, जो गलती है वो चाहे किसी की भी हो, गलती गलती है। और मैं ये बताना चाहता
चाहता हूं जिस तरह से बड़े ही आदरणीय प्रधान आदरणीय श्री चक्रपाणी जी जो भी अपनी बात रख रहे थे, कुंभ को समय के पहले समाप्त कर दिया गया। जैसे ही कोविड बढ़ने लगा तो समय से पहले कुंभ समाप्त हो गया। हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जो अयोध्या है, रामनवमी के मेला में एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला। आज हम लोग अपने कमरों में रहते हैं, आश्रम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तबलीगी जमात ने इस कोरोना को भारत में प्रवेश कराया, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग डॉक्टरों नर्सों के साथ बदतमीजी किए, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग कहां तहां छिप करके इस कोविड को पूरे देश में बढ़ा करके पूरे देश पे आज संकट पैदा कर दिए हैं। अभी जो नदीम साहब बोल रहे थे, मैं मानता हूं गलती कोई भी हो सबकी गलती है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उदाहरण कुंभ का दिया, इनको ये ज्ञान नहीं है कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड का खतरा बढ़ गया है, महामारी का खतरा तुरंत कुंभ की समाप्ति हो गई। ये जो पार्टी कर रहे हैं ये खत्म कर दीजिए, यह महामारी ठीक है, हम इसमें नहीं जाएंगे कि किसकी देन है, लेकिन अभी फिलहाल हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। सवाल यही है कि आखिर धर्म की आड़ में इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? तनुज भाटिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति को? एक तो हम पूरा देश इस वक्त इस महासंकट से गुजर रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें जो बेहद ही भयावह मंजर को बयां करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को साइंटिफिकली चलना चाहिए। कोई भी गैदरिंग मोर देन 20 पीपल अगर सरकार ने नहीं अलाउ कर रखी है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो। रिलीजन का इस समय कोई डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। द बिगेस्ट रिलीजन इज नॉट हिंदुइज्म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इट इज ह्यूमैनिटी। सबसे पहले हमारे को ह्यूमैनिटी पे ही फोकस करना है। अभी भी हमारा फोकस कंटेनमेंट पे तो नहीं है। अगर हम लोग अभी भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो हम लोग बात को समझे ही नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है कि इस समय कोई भी गैदरिंग, चाहे खुशी की हो चाहे वो गम की हो, वो चाहे वो रिलीजियस हो, हमारे को वो नहीं अलाउ करना है तो वो नहीं अलाउ करना है। और ये केवल केस नंबर बढ़े या कम हो उससे रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि इसका आउटकम हमारे को 2 से 3 हफ्ते बाद देखने को मिलता है। तो जो कुंभ का भी था वो भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज है। हम लोग इसमें रिलीजन लाई क्यों रहे हैं? इसमें लाना ही नहीं चाहिए, हमारे को अलाउ भी नहीं करना चाहिए इसका डिस्कशन। बिल्कुल, मतीन जी क्या कहेंगे? पहले ह्यूमैनिटी पर फोकस होना चाहिए, गलती तो गलती होती है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ह्यूमैनिटी पे डॉक्टर ने अभी जो भी कहा है तनुज भाटिया जी ने, बिल्कुल सही कहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भीड़ में यहाँ पर क्यों नहीं दिखा? मैं तीन चीज में सवाल यही कर रही हूँ कि यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दिया? जी हो ये तो चकपाड़ी महाराज हो, ये भीड़ में मजहब घूमते, अरे आपदा में मजहब घूम रहे, ये आपदा है। सर आप उठ भी ना जाइए ना, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि जो तस्वीर सामने आई है गलत है। इसमें देखें कि सरकार की गलत नीतियों के तहत ये सब ये फैल रहा है। गाँव गाँव कस्बा करियात में जो तो ये भीड़ भी क्या सरकार ने इकट्ठा कर दी? मतीन जी ये भीड़ जो इकट्ठा हुई ये भी सरकार ने कर दी? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की क्या कर रहे थे एसएसपी यहाँ पर, क्या कर रहे थे यहाँ प्रशासन के लोग, ठीक है यू के लोग कर रहे तो रहे क्या सिर्फ सरकार और प्रशासन की ही जिम्मेदारी है? मतीन जी भीड़ इकट्ठा होने दी, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? डीएम को क्यों नहीं उनके मुकदमा लगाया? जिस लड़ाई से हम गुजर रहे हैं, एसएसपी को वहाँ के थानेदार को सीओ के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? भाई जितना बड़ा प्रोटोकॉल जिसके पास होगा, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतना बड़ा उसके ऊपर केस होना चाहिए। बिल्कुल, सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, सबको जिम्मेदारी होना चाहिए, जिसकी जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सरकार ऐसे लोगों को क्यों छोड़ देती है? कलश यात्रा के बाद जो है आपने वहां पे मुकदमा कर दिया 30-40 लोगों के खिलाफ। सर यहाँ पर हम लोग यही तो बात कर रहे हैं कि रिलीजन से ऊपर उठकर सोचना है, अभी रिलीजन बीच में नहीं आना चाहिए। आपकी बात जायज है, आपकी बात जायज है और मानते भी है। चक्रपाणी जी बार बार मतीन जी कुंभ का जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं, कलश यात्रा का भी उन्होंने जिक्र किया है। आप ठीक है दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा हो जाता है कि कुंभ में आखिर क्या हुआ था? वहां पर भी यही तरह का नजारा देखने को मिला था, बार बार वो उस चीज का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए कुंभ एक हमारे यहाँ प्राचीन काल से
लगने वाले पौराणिक हमारा वो है। और उसके बाद भी देखो पूज्य परमहंस जी महाराज ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया, पूरा देश जानता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने अपील किया तो उसके बाद संक्षिप्त कर दिया गया और उसको पहले समाप्त कर दिया गया। अब देखो मतीन जी की बात है, मतीन जी आप इस बात को समझिए, मैं आपसे सहानुभूति रखता हूँ भाई, वहाँ जो भीड़ लाखों की है जो जनाजे में है, अगर वो गए हैं तो मरेंगे तो वही कोरोना होगा तो वही मरेंगे, चक्रपाण या परमहंस जी को या आप मतीन खान कमरे में हो आपको थोड़े कुछ होगा, तो हमको आपकी चिंता में है, हमको आपकी चिंता कर रहे हैं, फिर भी आपको आपको इसमें आपको इसमें मजबूरी दिखाई दे रहा, आपको इसमें राजनीति दिखाई दे रहा, एक एक करके बात रख लीजिए तभी समझ में आएगी, दर्शकों को भी सभी तभी समझ में आएगी क्योंकि दर्शकों की यही सवाल है। मतीन जी बात सुन लो भाई, आप मेरे को व्यक्तिगत कितना भी जानी दे दो, हम तो समाज की बात करते हैं ना, अगर उसमें कोई भी मुस्लिम को कोरोना होगा भाई को होगा तो वो बेचारा जाएगा, उसके परिवार प्रभावित होगा, तो हम या परमहंस जी तो उसकी चिंता करते हैं, आपको मजहबी आपको देखने में चलती तो हिंदू बात ये तो शामिल नहीं हो रहा, इसमें गलत ही बोलेंगे, क्या बातें कर रहे हैं, आपको कहा तक उसकी वो करना चाहिए, आप उसकी आलोचना करना चाहिए, हमारी समर्थन करना चाहिए, शामिल बोल रहे हैं तो आपको गलत भी दिखाई दे रहा है, अंधे से हमेशा हरे दिखाई देता, वही हालात की है, आपसे हमेशा शंका संदेह दिखाई देता है, हमारे हम लोग की बातों में हम तो आपकी चिंता कर रहे हैं भाई, हम तो आपके समाज की चिंता कर रहे हैं, तो सब मुस्लिम भाई है वहाँ पे जो भीड़ में लाखों की संख्या में है, तो आखिर बेचारे उनके परिवार का प्रभावित होगा, तो ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, तो आपको हमारे ठीक है चक्रपाणी जी मतीन जी से सुन लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात उनको रख लेने दीजिए जी, मतीन जी बताइए क्या कहिए, क्योंकि एक एक करके बोलेंगे तभी बात समझ में आएगी, इसमें मजहब न ढूंढिए, ये आपदा है, सब लोग को लड़ना है, हमारे तमाम बुजुर्गों ने तमाम यही बात हो रही है कि भाई तमाम लोग तमाम के तमाम लोग फर्ज अदा न करें, मस्जिदों में फर्ज के नमाज को अदा न करें, ये फर्ज कफाया सर, इस चीज मतीन जी इस बात को हम मान रहे हैं, ठीक है मतीन जी मेरी बात सुनिए, पहले मैं जो सवाल कर रही हूँ वो आप उसका जवाब दीजिए, हम इस चीज को मान रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से सहयोग हुआ है, लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आई हैं इसके पीछे क्या वजह मानते हैं, ठीक है हम प्रशासन की भी मान लेते हैं क्या, लेकिन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, गुजरात में अगर प्रशासन पहले कार्रवाई कर लेता, हम गुजरात की बात ही नहीं कर रहे हैं सर, गुजरात में प्रशासन अभी हम गुजरात की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि इसे हमें मिलकर लड़ना है, सुनने का कष्ट करिए, अगर गुजरात की कार्रवाई हो जाती है मतीन भाई हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कार्रवाई हो जाती है मतीन भाई को अगर सही भी बात हम कहेंगे तो बुरा लगता है, और हमें दुश्मन के रूप में देखते हैं, मैं तो आपके हित ऐसी हूँ, हमें तो चाहते चाहते आज मुझे हमारे महाराज जी परमान जी हो या हमें कोई भी बात कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहा है, आपके समाज की हित की बात कर रहा है, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हम गलत है, अरे कभी तो अपने आप को पूछ कर लीजिए, कभी तो अच्छी चश्मा लगा लीजिए, मजहब की भी इसी देख रहे हैं, क्योंकि मैं हिंदू भाव समाज को गलत ही देंगे, अरे इसको आपकी भी जानी चाहिए, चक्रपाणी जी एक एक करके बात करिए, सवाल मेरा मतीन जी से था, मतीन हिंदू कानून में मुझे आपकी भी जानी, मतीन जी आप बदायूं पर आइए ना, आप गुजरात पर क्यों चले गए हैं, बार बार आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप खुद भी मान रहे हैं ना इस चीज को कि गलती हुई है, इस गलती के पीछे वजह क्या और सजा किसको, भाई वजह प्रशासन ने क्यों दी, चक्रपाणी जी मेरे को लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए, आऊंगी मैं आपके पास, अरे एक दो पुलिस वाले हजारों की भीड़ को तेतर बेतर कर देते हैं, कैसी बात कर रही हैं आप, प्रशासन जब पूरी तरह नाकाम रहा है, प्रशासन सहयोग रहा है, प्रशासन ने कोरोना को बढ़वाया है, मैं कहता हूँ प्रशासन ने बढ़ाया है, आप देखिए कि इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्टेट में इलेक्शन करा करके पंचायत के चुनाव करा करके कोरोना को बढ़ाया है, 100 से ज्यादा प्रधान मर गए हैं, 1000 से ज्यादा शिक्षक मर गए हैं, कितने बढ़ाया है, परमहंस दास जी कितने नाकामियों की वजह से योगी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आएगी तो मैं सवाल नहीं कर पाऊंगी, योगी सरकार जिम्मेदार है, योगी सरकार को चाहिए, योगी जी को चाहिए कि इस्तीफा, सर हम ऐसे मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं, एक एक करके आप बात रखेंगे तो ही समझ में आएगा, इंसानियत हो तो थोड़ा सा सुन ले, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, यह वैश्विक महामारी को सबको मिल करके एकजुट होकर के
जनादेश की एक बात मुझे अच्छी लगी कि अगर प्रशासन वहां सख्ती बरती होती तो उस जनाजे में भीड़ ना होती। लेकिन इसके बाद नजीर जी की यह दोगलाई भी मुझे बहुत बुरी खली कि ये कहे इस्तेमाल सही करिए, मुझे भी वो जुमले बोलना है। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं होगा, लेकिन इन तमाम चीजों से यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी पर फोकस होना चाहिए रिलीजन से हटकर। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के